हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सक्षमता पास शिक्षकों के स्थानांतरण में अभी और देरी होगी। ढाई महीने में भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी नीति बनाने वाली कमेटी। 15 दिनों में ही कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का मिला था टास्क। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा पर नियुक्ति की नीति बनाने को लेकर 2 जुलाई 2024 को शिक्षा विभाग ने कमेटी गठित की थी। कमेटी गठन को लेकर जारी पत्र में कहा गया था कि 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी है, जिसके आधार पर विभाग निर्णय लेगा। ढाई महीने बाद भी कमेटी की रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इससे साफ है कि शिक्षकों के स्थानांतरण और अनुकंपा पर मृत शिक्षकों के आश्रितों की नियुक्ति में अभी देरी होगी। विभाग के सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्ष में यह कमेटी गठित की गई है। इसमें माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक सदस्य हैं। ये दोनों निदेशक भी अब नए आ गए हैं। कमेटी की कई बार बैठक हो चुकी है, उसमें उक्त दोनों मामलों के लिए नीति का एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है। अभी संशोधन पर मंथन चल रहा है। यही वजह है कि अब तक कमेटी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की थी कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए उदार नीति तैयार की जा रही है। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि एक बार नए सिरे से स्थानांतरण नीति को अंतिम रूप देने पर तेजी से कार्रवाई शुरू हुई है। इसके बाद विभागीय प्रमुख और मंत्री के अनुमोदन के बाद नीति पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद ही नीति के आधार पर शिक्षकों का पदस्थापन और स्थानांतरण होगा। साथ ही अनुकंपा पर मृत शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ होगा। तो जो कमेटी बनाई गई थी उसमें प्राथमिक शिक्षा के निदेशक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सदस्य थे। ये दोनों निदेशक अब नए आ चुके हैं और बैठक भी कई बार हुई है, लेकिन अभी तक जो है जो नीति बन रही है उसका वो कमेटी का रिपोर्ट जो है अभी तक नहीं आया। कमेटी की कई बार बैठक हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रारूप है वो तैयार हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और अभी संशोधन पर जो है वो मंथन चल रहा है। इसी वजह से कमेटी जो है अभी अपनी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। तो कमेटी रिपोर्ट देगी, इसके बाद जो है विभागीय प्रमुख और मंत्री जो है वो उनके अनुमोदन के बाद नीति कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद ही नीति के आधार पर शिक्षकों का पदस्थापन और स्थानांतरण जो है वो किया जाएगा।